हाय गाइस, तो यार आज मैं वॉक पे लेके आया हूँ भालू और पैंथर को एक साथ। एंड आप देख रहे हो कि दो डॉग को लाना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैं नहीं लेके आया था। क्योंकि चलो पैंथर तो अपना कंट्रोल्ड है, लेकिन भालू इतना ज़्यादा खींचती है ना। बाय द वे, आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कौन सा पैंथर है कौन सी भालू है? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राइट साइड में है ना, ये जो अभी सूंघ रही है ना, ये भालू है एंड ये पैंथू है। पैंथू की हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी सही हो रही है एंड बाल भी भगवान की दुआ से बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। आप देख रहे होगे उसके शोल्डर पे हार्नेस के पास है ना, कितने बड़े बड़े बाल आपको दिखेंगे। तो बहुत जल्दी पैंथू का कोट जैसा कि पहले था भालू से भी बड़ा वैसे ही हो जाएगा है ना। मैंने 2 मंथ का टाइम मांगा है आप लोगों से, तो आप लोग को पता ही है। हम देख रहे हो भालू को, भालू कितना खींच रही है ना। उसको उधर जैकी भैया के पास जाना है। जैकी भैया तो एज यूजुअल खुले ही हुए हैं है ना, लेकिन भालू को खोलना इज नॉट सेफ। क्योंकि पैंथू को तो यार देखो, मैं इसीलिए ले जाता हूँ खुला हुआ, क्योंकि पैंथू काफ़ी ट्रेंड है। पैंथू नहीं अटैक करेगा किसी पे भी है ना, अटैक भालू भी नहीं करेगी। लेकिन भालू इज स्टिल अ चाइल्ड है ना, वो अभी भी अटैक भले ना करे लेकिन दौड़ा तो लेगी दोस्त। स्ट्रीट डॉग्स को तो खासकर दौड़ा लेगी वो है ना। तो मैं इसको उसके लिए नहीं खोलता, देखो जैकी से खेलने लगी देख रहे हो। तो उसको अभी नहीं पता है कि कैसे खेलना है एंड उसको उसके साइज का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी हो चुकी है। शी स्टिल थिंक्स शी इज अ लिटिल पपी है ना। वो आपकी गोद में आके बैठ जाएगी, वो दो पैर रख लेगी आपके ऊपर आके कभी भी। एंड कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, वो दौड़ के आई प्यार प्यार में एंड मेरे ऊपर दो पैर रख लिया एंड आई एम लाइक ओ शिट अभी गिर जाता है ना। इतना ज्यादा मतलब, क्योंकि यार बड़ी हो चुकी है ना, शी इज हैवी शी इज बिग है ना। वो अब बच्ची नहीं है लेकिन उसको उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको ऑफ लीश तो नहीं ले जाने वाला है ना, सीधी साफ बात। अबे हटो है ना गोचू राम, किसी की कार पे ऐसे करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें को? तो भालू को तो यार मैं खुला नहीं ले जाने वाला है ना, क्योंकि यार क्या फ़ायदा किसी को भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्ट्रीट डॉग को प्रॉब्लम हो क्या फ़ायदा है ना। चल भालू आज चल। एंड ये देख रहे हो लीश का क्या हाल कर दिया इन दोनों ने, हार्नेस वाली लीश का इतनी तेज ये खींच रहे हैं ना। मुझे तो डर था कहीं मेरे सर्कल में ना घूमने लगे, कभी कभी घूमने लगते हैं है ना। तो सर्कल में घूमते हैं तो एकदम मतलब साथ फेरे लेने लगते हैं ये लोग, तो एकदम बांध के इतना ज़्यादा टैंगल कर देते हैं ना उसको। फिर खोलने के लिए कैमरा साइड में रखो, फिर उसको खोलो, फिर उसको वापस कैमरा उठाओ, तो वो चीज़ मैं चाह रहा था वो चीज़ ना हो है ना। फिलहाल ये देखो बिना घूमे ही उन्होंने इतना ज़्यादा टैंगल कर दिया है, लेकिन एक तरीके से थोड़ा अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि उन लोगों को बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं मिलेगा मुझसे, बहुत ज़्यादा रेडियस नहीं मिलेगा उनको दूर जाने के लिए है ना। एंड देखो यार, पैंथू का कलर पहले आपने देखा था भालू के बिल्कुल बराबर था, लेकिन अब आप मैं कैसे दिखाऊं, अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पैंथू का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है धीरे धीरे है ना। भालू का कलर इज़ लाइट है ना, या तो भालू के बड़े बाल हैं शायद इसीलिए उसका कलर अभी लाइट लगता है, लेकिन पैंथू का कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो गया है ना। भालू से तो काफ़ी डार्क हो गया, आपको पता चल रहा है? बाप रे बाप गाइस, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, ये लोग इतना तेज़ खींच रहे हैं ना कि घर से यहाँ तक आया हूँ हार्डली 50-60 meters दूर आया हूँ मैं एंड मैं पूरा भीगा हुआ हूँ पसीने से है ना। इतना तेज़ ये लोग खींच रहे हैं एंड इतनी दम लग रही है ना इसको ऐसे पकड़ने में, मतलब मजाक वाली बात नहीं है। भालू इसीलिए एक्चुअली खींच रही है क्योंकि जैकी खुला है और जैकी वहाँ तक पहुँच गया और भालू को एकदम जाना है खेलने के लिए। भालू इज़ अ प्लेयर, भालू मतलब पैंथू तो प्लेयर है ही है लेकिन भालू उससे बड़ी प्लेयर है। तो भालू का पूरा मन है कि भाई मुझे वहाँ जाना है ना, लेकिन अभी भालू क्या करे, भालू खुली ही नहीं है क्या कर सकते हैं ना। एंड अभी मैं खोलने भी नहीं वाला उसको है ना, किसी पार्क के अंदर हो तब खोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पार्क को मैं बंद करके खोल सकता हूँ भाई, और कोई आए उसको पहले ही वार्न कर सकता हूँ कि भैया देख लो डॉग खुला है, ऐसे डायरेक्टली मत आओ, मेरे को बता दो एक बार तब आओ। हाँ वालू क्या है ना, लेकिन ये कंटिन्यूसली बोल रही है कि जैकी के पास जाने दो। क्या है बेटा भालू क्या हो गया? ये देखो डिसअपॉइंट सी हो गई बेचारी मुझसे, अरे ये क्यों पता नहीं क्यों मेरे को खोल नहीं रहे हो, मेरे को जाना है उससे मिलने, मेरे को जाने दो उसके पास। बहुत ही हेक्टिक ब्लॉग होने वाला है गाइज मेरे लिए तो है ना। आप लोग का तो सही है, आप लोग तो मस्त होके देखोगे, मेरे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है इनको ऐसे पकड़े 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 चलना है ना, बहुत तेज़ खींच रहे हैं। क्योंकि पैंथू तो यार मस्त रहता है, पैंथू का इतना टेंशन नहीं है मुझे है ना। पैंथू को मैं अगर अभी खोल भी दूँ तब भी कोई टेंशन नहीं,
वो देखो डॉग्स भौंक रहे हैं, देखो भालू को, है ना, देखो उधर जाने की ही कोशिश करेगी वो, देख रहे हो, है ना, ये देख रहे हो कितनी तेज खींच रही है। अगर मैं इसको भी खोल दूं ये तुरंत भाग के सीधे उधर चली जाएगी, बस इसीलिए मैं इसको नहीं खोलता, है ना। एंड पैंथू आपने देखा कितना काम है, पूरा आराम से उस जगह पे आ गया। तो पैंथू को तो मैं भी यहाँ खोल दूँ ना, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे पता है कि उन बेचारे डॉग्स को कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जाएगा, उस पर कोई अटैक ना करे वो भी नहीं अटैक करेगा। लेकिन भालू को देख रहे हो आप, है ना, देख रहे हो इसको, बस बस आराम से बेटा, आराम से, है ना, बस इसीलिए नहीं खोल रहा था मैं इसको। एंड जैकू भैया तो अपने हैं ही महान, वो तो तुरंत साथ चल देंगे अगर कोई चलेगा। अच्छा जंग पे जा रहे हो, चलो, अच्छा लड़ने जा रहे हो, चलो, कहाँ जाना है, अच्छा वहां जा रहे हो, चलो, अच्छा कुत्ता दिख गया, चलो। ये देखो इधर भी डॉग्स है, तो भालू इधर भी कोशिश कर रही हुई, बेटा आराम से। आज तो ये यार मैं घर जाते जाते ना 1 किलो बर्न कर दूंगा अपना, है ना, इसको लीश को पकड़े पकड़े। भालू, एंड भालू यार पता है भालू ना पार्क जाने के लिए ना पैंथू से ज्यादा मरती है, पता है, एंड पत्थर लाने के लिए भी, क्योंकि पहले ये चीज़ सिर्फ पैंथू को आती थी कि वो पत्थर मुंह में लेके चलता रहता था, सब करता रहता था। बाद में जब उसने भालू को सिखाया, भैया भालू उससे भी बड़ी पत्थरबाज है, अभी तो फिलहाल इसका मन डॉग्स वगैरह में लगा है, वरना अगर आप इसको स्टोन दोगे ना तो ये मतलब उससे ज़्यादा, पैंथू से ज़्यादा ये पागल है स्टोन के पीछे। रुको मैं ट्राई करता हूँ, यार यार भगवान ने 3-4 हाथ दिए होते तो बहुत अच्छे से हो जाती सब चीज़ें। लो देख रहे हो आप भालू को, मेरे को दोनों का टेंशन, लो लो, गुड जॉग गुड जॉग, कैच ना, वो देख लो उसने कैच कर लिया, तो अब थोड़ा शांत रहेगी। अच्छा ये चीज़ मुझे जो विशाल डॉग वर्ल्ड है, विशाल का, उनके जो डैड हैं उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जब पैंथू मेरे पास नया नया था तो पैंथू बहुत भौंकता था, रास्ते भर भौंकता था, डॉग्स दिख गए कुछ भी दिख गया तो बहुत ज़्यादा ही भौंकता था। तो मैंने अंकल से ये चीज़ पूछी थी कि अंकल पैंथर जो है वो बहुत ज़्यादा भौंकता है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे GSD हैं, आप इतने, वो काफ़ी टाइम से GSD रख रहे हैं वैसे भी, तो मैंने अंकल से पूछा था कि अंकल आपके पास इतने सारे GSDs हैं, इतने टाइम से आपने रखे हुए हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे इस चीज़ को मैं रोकूं कि मतलब पैंथू जो रास्ते में जब चले तो भौंके ना। तो आपने देखा होगा कि उनका जो जैक है वो ज़्यादातर मुंह में स्टिक पकड़ के चलता है, है ना, आप उसको कभी भी टहलते हुए देखोगे तो वो स्टिक पकड़ के मुंह में चल रहा होगा, है ना, तो एक तो वो चीज़ बहुत शानदार भी लगती है देखते हुए। तो अंकल ने मेरे को बताया यार कि इसको ना कुछ पकड़वाने की आदत मुंह में डाल दो, ये कुछ पकड़ा रहेगा तो ये भौंकेगा नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन उसी चीज़ पर रहेगा कि ये चीज़ छूट ना जाए। तो अब ऐसे ही अब भगवान की दुआ से मैंने आदत डाली भी नहीं, इसको अपने आप ही पड़ गई पत्थर की, है ना, तो अभी पत्थर के ऊपर क्योंकि बात हो रही थी तो मुझे ये चीज़ याद आई कि हाँ एक बार ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने अंकल से पूछा था। तो वही चीज़ है कि देखो वो मुंह में पकड़ के चल रहा है तो कोई उसका डाइवर्शन है ही नहीं, उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डाइवर्ट होता ही नहीं है वो। भालू अभी देख लो भालू के बाल कितने बड़े हैं, है ना, ये देख लो। आपने मेल्स बहुत देखे होंगे ऐसे, लेकिन फीमेल जल्दी देखने को नहीं मिलती, आई रिपीट जल्दी देखने को नहीं मिलती, मिल सकती है लेकिन जल्दी इतनी नहीं मिलेगी आपको, है ना, पूरा मेल लगती है भालू। एंड आप पैंथू को देखो, पैंथू को अभी तो देखो काफ़ी कम बाल हैं उससे पैंथू के, है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, देखो मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ठीक ठाक बड़े हो गए हैं पैंथू के बाल, लेकिन भालू से काफ़ी छोटे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोल रखा है 2 मंथ्स का आप मुझे टाइम दो, है ना, देख लेना आप भालू से बड़े बाल हो जाएंगे पैंथू के, है ना, क्योंकि पैंथू एक तो मेल है, मेल्स में वैसे भी ज़्यादातर बड़े बाल ही होते हैं, फीमेल से ज़्यादा बड़े बाल होते हैं, एंड सेकेंडली पैंथू के बाल बहुत बड़े थे यार, जेनेटिकली बहुत ज़्यादा बड़े थे, भालू से बहुत बड़े थे। आ जाओ चलो, भालू की जो ब्यूटी है ना वो क्या है, वो भालू में मैंने देखी है, एंड मतलब कुछ GSDs में लॉन्ग कोट्स में होती है, मैंने भालू में देखी है। एंड जो भालू जहाँ से आई थी वहाँ पे जो मेल है विशाल के पास जैक, उसमें देखी है जो भालू के, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, भालू ये लो लो लो, अब ये हेड देख रहे हो कितना, भालू इधर देखो, है ना, ये गर्दन आपको, ये देखो, अरे भालू लो लो ये लो 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 लो, उसको पता है ना स्टोन है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, तुम कहाँ दिखा रहे हो,
देखो अब हेड देखो कितना चौड़ा लगता है ना, शेर बब्बर शेर की तरह। तो ये है भालू की असली ब्यूटी, मतलब देखो मैं दिखाता हूँ। लो भालू, लो लो लो, अब आपको हेड दिख रहा है कितना चौड़ा है। लो लो लो, देख रहे हो आप हेड कितना ज़्यादा चौड़ा है उसका, फीमेल के हिसाब से है ना, कितना चौड़ा हेड है उसका। तो ये उसकी ब्यूटी है। एंड अगर आप कभी पर्सनली बापरे बापरे बापरे, देखो इसी की मैं बात कर रहा था, बांध रहे ना ये लोग मेरे को, रुक जाओ। नो बापरे बाप, चलो तो बच गया यार, एक हाथ से काम हो गया, वरना यूजुअली हो नहीं पाता है, बट चलो थैंक गॉड हो गया है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि यार अगर आप पर्सनली लाइफ में कभी जैक को देखोगे या भालू को देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये दोनों एकदम बब्बर शेर टाइप का जो लुक होता है ना, उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं, जो मेन होता है उसका, वैसे ही लगता है। चलो चलो चलें, ये पूरा जैकी भैया के पास जाना चाह रही है, बस वही है कि यार खोलने को खोल दूँ लेकिन रिस्क बहुत है। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसको खोल दूंगा तो ये भाग जाएगी, तो आएगी ही नहीं, आ जाएगी उतना वो मानती है मेरी बात, लेकिन वही वाली चीज़ है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार कि स्ट्रीट डॉग्स पे चली जाए दौड़ते भागते हुए। ये हुई है पैंथू, तो पूरा फुल कंट्रोल्ड है पैंथू पे, तो मैं अभी खोल दूँ, जब आप बोलो तब खोल लूँ, पैंथू में तो मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन भालू में मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। भाई देखो जो डॉग ट्रेंड है वो मैंने आपको बता दिया कि पैंथू भाई ट्रेंड है, भालू नहीं ट्रेंड है तो मैंने आपको बता दिया नहीं ट्रेंड है। क्यों मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि मेरे सारे डॉग्स ट्रेंड हैं या मेरे डॉग ऐसे हैं मेरे डॉग वैसे हैं, भाई जो ट्रेंड है वो है, जो नहीं है उसे हम कर रहे हैं है ना। कुछ टाइम बाद होपफुली भालू भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसको आराम से मैं ऑफ लीश ले जा पाऊँगा, वो तमीज़ से जाएगी जैसे पैंथू जाता है अपना, और तमीज़ से आ जाएगी है ना। तो गाइस वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी है ना, अब आई गेस मेरे को वीडियो यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए, इट्स ऑलमोस्ट 12 मिनट्स। ठीक है तो बाय गाइस, लव यू, पूरा पसीने से भीग गया आप लोग के चक्कर में मैं है ना, लव यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंड बाय, टेक केयर, बाय।